धार जिले के धर्मपुरी में शासकीय कार्य करने के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ की गई अभद्रता के मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड क्रमांक 5 में भूमि पर ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जगह नगर परिषद को आवंटित की गई। उक्त भूमि पर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई और जेसीबी मशीन से झाड़ियों की सफाई और जमीन को लेवल करने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान आरोपी इरफान और गुलफाम के द्वारा निकाय के कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर गाली गलौज की गई थी। देखिए मृदुभाषी के लिए धर्मपुरी से गोलू पटेल की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय द्वारा नगर परिषद धर्मपुरी को टिंचिंग ग्राउंड के लिए 1.414 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की गई थी। उसी को लेकर नगर परिषद द्वारा टिंचिंग ग्राउंड पे जो झाड़ियां और समतलीकरण के लिए जेसीबी भेजी गई थी, दरोगा को और सहायक को आदेशित किया गया था साफ सफाई के लिए। इसी दौरान वहां जो अतिक्रमणकर्ता है इरफान गुलफान पिता समद द्वारा अतिक्रमण वहाँ किया गया था। उनके द्वारा जेसीबी को रोका गया और अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई। उसी को लेकर आज नगर परिषद द्वारा थाने में जाकर FIR दर्ज करवाकर प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। क्या नाम है आपका? इरफान पिता समद और गुलफान पिता समद दोनों। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।